बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह किचन में मैं हाजिर हूँ। आज मैं बटर चिकन बना रही हूँ। बटर चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन ली हूँ, बोनलेस है, बोन वाले भी लिए तो भी चलेगा। सबसे पहले मैं इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालूँगी। दो टेबल स्पून दही डालूँगी। एक लेमन, आधे लेमन का जूस डालेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, और जायके के हिसाब से नमक है, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स करूँगी और 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रखूंगी। चिकन के दूसरे स्टेप में हम यहाँ पे कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाली हूँ और बटर डालूंगी। इसमें मैं तेल डालूंगी। टमाटर डालूंगी, यहाँ पे काजू है, साबित धनिया है क्रश किया हुआ, गरम मसाले, अदरक लहसुन पेस्ट और मिर्ची पाउडर। सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए भूनेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए रखेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसे 5 मिनट में पकाना है। चिकन को मैं मैरिनेट करने के लिए रखी थी, वो मैरिनेट हो चुका है, उसका 1 घंटा हो चुका है। यहाँ पे दूसरे गैस पे मैंने फ्राई पैन रखी हूँ, तेल गर्म हुआ हो चुका है, उसमें मैं चिकन फ्राई के लिए रखी हूँ। यहाँ पे जो मसाला मैंने पकने के लिए रखे हैं वो हो चुका है। मैं गैस ऑफ करती हूँ, इसे ठंडा करने के लिए रखती हूँ। मैंने जो आपको बटर चिकन ग्रेवी दिखाई थी उसको मिक्सर में मैंने पीसी हूँ। अब ये फ्रेश क्रीम है, ये भी इसमें डाल के इसे भी अंदर मिक्स करूँगी। फ्रेश क्रीम भी मैंने इसमें मिक्स करके ग्राइंडर में पीसी हूँ। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई रखी हूँ, बटर डालूंगी और थोड़ा सा गर्म मसाला भी डालिए, खड़ा गरम मसाला, और ये जो मसाला पीसे हुए ये इसमें डालेंगे। थोड़ा सा मैं रेड फूड कलर डाल रही हूँ। अब देख सकते हैं बटर चिकन की ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब यहाँ पे जो मैंने चिकन फ्राई की हूँ इसे हम श्रेड करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। मेरे घर में ऐसे पसंद है पीसेस, इसलिए मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगे। 5 मिनट के लिए बारीक गैस के गैस पर से पकने के लिए रखूंगी।
बटर चिकन हमारा पक चुका है। थोड़ा सा इसमें हम टमाटर सॉस डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा बटर चिकन तैयार है। गैस ऑफ करती हूँ सर। आप देख सकते हैं बटर चिकन बनके तैयार है। आपको अगर मेरी बटर चिकन की रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जज़ाकअल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।